ये है कंडीशन डोमिनर का स्टॉक लाइट का। नाइट में हाईवे में राइड कर रहा हूँ, सामने पूरा ब्लैंक है, पूरा डार्क है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसके साथ देखिए ऑक्सिलरी लाइट का कमाल, ये है पूरा योलो लो बीम का। इसके लिए बोलता हूँ ऑक्सिलरी लाइट मस्ट है, ज़रूर लगवाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल में आप लोगों का स्वागत है। सो ये जो वीडियो बन रहा है, ये ब्लॉग बन रहा है, ये नाइट टाइम पे बना रहा हूँ। इसके लिए बना रहा हूँ कि डोमिनर के साथ नाइट में स्टॉक लाइट में कैसा दिख रहा है, और मैंने जो वायलेंस वाला HGG फॉग लाइट लगाया है डुअल हेडलैम्प, उसमें कैसा दिख रहा है इसके लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका बना दिया था, शॉर्ट वीडियो नाइट टाइम का बनाया था जब स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, और टोटल इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है, मतलब कैसे क्या इंस्टॉल, दो पार्ट में बनाया है, उसका देख लीजिएगा कैसे क्या इंस्टॉल किया है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाया हूँ मैं, जो अभी तक कोई बनाया नहीं है, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मैंने पूरा बनाया हूँ। तो ये वीडियो उसके प्रैक्टिकल व्यू कैसा लगता है उसके लिए ये सही रहेगा। तो इसके लिए मैंने नाइट में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो नाइट में बाहर का उतना सारा कुछ दिखेगा नहीं, बट लाइट का एग्जैक्ट जो है वो समझ आ जाएगा। डोमिनर का एक अच्छा खासियत क्या है, नाइट में जो इसका डिस्प्ले है, मतलब सामने वाला जो प्राइमरी है और टैंक का ऊपर जो सेकेंडरी है, दोनों डिस्प्ले नाइट टाइम के ऊपर बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी चलते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो है येलो लाइट है, येलो लाइट जो है ये लो बीम है फॉग लाइट का, और ये जो है देखिए एक मिनट, ये जो है इसका हाई बीम है। हाई बीम मतलब पास के साथ मैंने जो इंस्टॉल किया हूँ, ये जो है इसका हाई बीम है। तो विदाउट लाइट ऐसा दिखता है, अभी रोड में थोड़ा लाइट है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, अभी ज़्यादा अंधेरा रहेगा। देखिए ये पूरा अंधेरा है, एकदम स्टॉक लाइट कुछ भी दिख नहीं रहा है, मतलब कैमरा में तो कुछ भी नहीं, नेकेड आई में थोड़ा सा दिख रहा है, बट कैमरा में इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी देखिए इसका येलो लाइट मैंने ऑन किया, जो लो बीम ऑन किया, इधर में जितना आपको दिख रहा है ये मैं बता रहा हूँ कि नेकेड आई में जो दिखता है उसका अराउंड 60-70% इसमें दिख रहा है, बाकी इसका स्प्रेड जो है बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये देखिए मैंने पास, ये जो है पास डाल रहा हूँ, जो है हाई बीम, हाई बीम मतलब व्हीकल का जो है अपर प्लस इसका फॉग लाइट का अपर वाइट वाला, दोनों एक साथ मैं पास के साथ जला रहा हूँ। जो देखिए अभी रेड लाइट जल रहा है, वो जो तीनों बटन है, तीनों बटन में लेफ्ट साइड में देखिए अभी दो जल रहा है, ठीक है, दो ब्लिंक हो रहा है, ये पास के साथ कनेक्शन है, मतलब वाइट के साथ। और ये जब सामने जाते हैं तब जाके इसका इंटेंसिटी देखिए एकदम, तब समझ आ जाता है सामने कोई व्हीकल है या जो साइड का दीवार है वो अगर रहेगा, तब जाके इसका इंटेंसिटी और भी ज़्यादा अच्छे से दिखता है। क्योंकि नाइट टाइम पे ये जो है एक्चुअली इसका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी। हाँ, 60 वाट वाला जो क्रू लाइट है उससे थोड़ा कम है, क्योंकि ये जो है स्पॉट है, 60 वाट वाला जो क्रू लाइट आता है HGG का स्क्वायर वाला 4 LED वाला, उसमें क्या होता है पूरा स्प्रेड हो जाता है, इवन उसका पावर भी ज़्यादा, आई थिंक इसका अराउंड 40 वाट के आसपास होगा, एग्जैक्ट इसका वाटेज इसमें दिया नहीं है, तो इसमें पता नहीं, मेरे को लगता है 40 या 30 वाट के आसपास होगा, बट ठीक है। मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या है कि सामने से जो आ रहा है उसका आँख में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। येलो लाइट जब रहेगा ये फोकस्ड है, क्योंकि इसके सामने जो है प्रोजेक्टर लगा हुआ है, फोकस जो है नीचे की तरफ रहता है। मैं सामने से भी आके देखा हूँ, मैं क्योंकि दूसरा एक फ्रेंड को दिया था गाड़ी चलाने के लिए फॉग लाइट के साथ, मैंने उल्टा साइड से जब आ रहा था बिल्कुल भी आँख में नहीं लगता है। हाँ, वाइट वाला जो है वो अगर जब डालते थोड़ा सा आता, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, ओके, मतलब नॉर्मल जो अपर बीम में जितना आता है उतना ही आता है, बट मेरा जो है फॉग लाइट जो है जो लेग गार्ड के ऊपर इंस्टॉल किया हूँ नीचे के साइड में, मतलब थोड़ा डाउन है, इसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा पोजीशन में ये सेट किया। मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग फॉग लाइट लगाते हैं मेनली प्रोजेक्टर वाला, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ऊपर में मत लगाइए, जितना कोशिश कीजिए नीचे की तरफ लगाइए। नीचे की तरफ लगाने से इसका स्प्रेड भी अच्छा रहता है, आप ज़्यादा ऊपर में करेंगे तो ये थोड़ा नीचे में एक ही जगह पे स्पॉट करेगा,
नीचे की तरफ लगाएंगे वो थोड़ा जो है दूर तक उसको कवर करता है। ये जो है एकदम परफेक्ट है। हाँ 60 वाट वाला जो है पूरा वो फ्लड लाइट है, ठीक है, वो बहुत दूर तक जाता है, उसका पावर भी बहुत ज़्यादा है। इवन ऑपोजिट साइड से जो आता है उसका आँख में दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। और येलो वाला कैप लगा के अगर उसमें यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा लोगों का आँख में लगेगा, ठीक है, ये एक उसमें प्रॉब्लम है। मेरे को ये इसलिए सही लगा, इन फ्यूचर अगर मैं देखता हूँ अगर कोई बड़ा ट्रिप अगर करना है तो ज़्यादा लाइट होने से तो अच्छा ही रहता है। हाँ खाली रोड में आप उसमें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गांव का अंदर से जो रोड है उसमें से आप उस लेके जा रहे तो वो बड़ा वाला 60 वाट वाला ले सकते हैं, बट नॉर्मल हाईवे में ये ओके है, मतलब ओके है, बहुत ज़्यादा ओके है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये देखिए अभी मैं येलो लाइट जला के चल रहा हूँ, ये देखिए पास डाल रहा हूँ, ये जो है वाइट वाला, ये देखिए विदाउट मतलब फॉग लाइट कुछ भी नहीं दिख रहा है रास्ते में। और सामने से जो अपोजिट साइड से अपोजिट लेन से जब आता है गाड़ी का है लाइट जब पड़ता है वो सामने का और भी कुछ नहीं दिखता है। तो मेरे हिसाब से ये जो है एक नेसेसरी चीज़ है, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गाड़ी का मतलब डोमिनर का जो स्टॉक LED सेटअप है हेडलाइट वो अच्छा है, मतलब सब जितना भी मैंने देखा एक्सपल्स मेरा था और भी बहुत सारा टू व्हीलर देखा हूँ मैं, बाइक देखा हूँ, उससे तो ये बढ़िया है, बट हाईवे के लिए सही नहीं है, क्योंकि हाईवे में अंधेरा रहता है और अपोजिट साइड से गाड़ी आता है सामने का कुछ भी नहीं दिखता है। और ऑब्वियसली उस टाइम पे थोड़ा स्पीड में भी गाड़ी चलता है, ये भी एक चीज़ है कि हाईवे में तो सिटी में जैसे आप 40 में 30 में चलाते हैं उसमें थोड़ा मिनिमम 60, 70, 80, 100 तक चलाते हैं, उसी स्पीड में ये लाइट ज़रूरी है। और इवन पास के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और डोमिनर में बहुत अच्छा फीचर्स भी है, मतलब उसका हेडलाइट को भी आप 3-4 टाइप बना सकते हैं, 4 टाइप एक्चुअली बना सकते हैं उसका सेटअप में, उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कितना टाइप का कर सकते हैं। और फॉग लाइट के सब कॉम्बिनेशन करके ये लाइट को मतलब बहुत बढ़िया से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में एक उसमें भी दिखा दूंगा मैं, क्योंकि उसके लिए एक्चुअली क्या नाइट में वीडियो बनाना पड़ेगा, नाइट में हाईवे में उसका एग्जैक्ट अच्छे से दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये देखिए अभी कोई ओनली स्टॉक हेडलाइट से मैं स्टॉक हेडलाइट में जा रहा हूँ। देखिए ये सामने के तरफ जब गया हूँ मतलब इसके पीछे जो लॉरी का ट्रक का पीछे जब हूँ तब जाके इसके हेडलाइट इसके पीछे में लग रहा है, बाकी देखिए रोड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए हल्का सा एकदम हल्का सा स्पॉट दिख रहा है, हाँ वीडियो में जितना दिख रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। देखिए अभी गाड़ी धीरे चल रहा है, बाइक में स्लो चल रहा है इसलिए वो दिख रहा है, जैसे ही वो हाई स्पीड होता है तब कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक फॉग लाइट, अच्छा वाला फॉग लाइट आप इंस्टॉल कीजिए, और उसका जो वायरिंग कनेक्शन है वो रिले के साथ ही कीजिए, एक फ्यूज़ डाल दीजिए रिले के साथ ही कीजिएगा, तो क्या होगा आपका डायरेक्ट बैटरी से जाएगा और वायरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्या होता है बहुत लोग डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है वायरिंग जल जाएगा या वायरिंग कोई कट कर देता है, और मेरा जो वीडियो बनाया हूँ वो उससे आप थोड़ा देख सकते हैं क्योंकि उसमें भी वायरिंग दिया हुआ है, आपको अगर ये वायरिंग करना है ऐसे करना है तो कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना है आपका खुद का कोई सजेशन है अगर खुद का आपका ज़रूरत के हिसाब से है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो बट उसमें से आपका जो डायग्राम है डायग्राम का बेसिक सेम ही रहेगा, जो रिले का कनेक्शन का वो सेम ही रहेगा, फ़ोटो भी मैं उसमें डाल दिया हूँ डायग्राम का, तो उससे आप इजीली देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करना है तो उसमें कर सकते हैं, आपका जैसा नीड है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ अगर इन फ्यूचर कभी मैं वो 4 LED वाला लगाता हूँ तो यही दूसरा रिले के साथ मैं कनेक्शन करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें 6-पिन रिले नहीं चाहिए, उसमें 4-पिन रिले में चाहिए, क्योंकि उसमें सिंगल सेगमेंट है, सिंगल सेगमेंट मतलब लाइट का सेगमेंट इसमें डबल है, देखिए एक येलो है एक वाइट है, और उसमें येलो वाइट जस्ट ऊपर का फिल्टर चेंज करके किया जाता है, अगर आप येलो फिल्टर लगाएंगे तो येलो होगा और येलो फिल्टर निकाल देंगे तो वाइट होगा, मतलब उसमें वाइट लाइट ही जलता है, उसका LED जो है वो येलो नहीं है। और देखिए ये जो अभी दिख रहा है ये थोड़ा यू शेप में दिख रहा है, यू शेप में क्यों दिख रहा है क्योंकि मैंने लाइट का फोकस जो है थोड़ा आउटर साइड में उसको टिल्ट किया है, मतलब लेफ्ट साइड में थोड़ा फॉग लाइट लेफ्ट साइड का फॉग लाइट को थोड़ा हल्का सा लेफ्ट साइड में किया है, राइट साइड का फॉग लाइट को थोड़ा राइट साइड में किया है। रीज़न क्या है, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा जो मतलब ऐसी कर्व टाइप का आ रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है,
बट जो है कवर बहुत, एक लेन का देखिए पूरा कवर कर लेना, लेन का अगर बीच से मैं चला रहा हूँ, देखिए बीच से चला रहा हूँ, लेन का लेफ्ट और राइट सेक्शन का पूरा ही कवर कर जाता है। इसको अप डाउन जो है वो आपके हिसाब से कर लीजिए। इसको अगर मैं थोड़ा डाउन करता हूँ, ये फोकस जो है नहीं सामने की तरफ चला आएगा और भी जो है ब्राइट हो जाएगा, और इसको थोड़ा मैं अप अगर करता हूँ, ये फोकस जो है थोड़ा सामने की तरफ चला जाएगा और ज़्यादा दूर तक वो फैलेगा, बट उसमें थोड़ा सा जो है उसकी इंटेंसिटी हल्का सा कम हो जाएगा। और ये जो देखिए कार्फ से कार्फ का नीचे जो डार्क स्पॉट है वो स्पॉट का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। ये है इसका चीज़, ये जो है ऊपर नीचे इजीली आप कर सकते हैं, एज पर योर नीड आप लोग कर सकते हैं। बाकी मेरे को तो सही में बोलता हूँ कि विदाउट फॉग लाइट में मेरे को अभी चलाने में हाईवे में अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा लाइट अच्छा रहेगा थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आता है, क्योंकि अभी तो आपको तो इंडिया का सड़क पता ही है कि इधर उधर से कोई भी आ सकता है, ये दिक्कत है। और सबसे बड़ा चीज़ है मैं जो पास के साथ कनेक्ट किया हूँ ना, वो जो मतलब बाइक का जो स्टॉक पास लाइट है, पास लाइट का स्विच है, उसके साथ मैं जो कनेक्ट किया हूँ फॉग लाइट का अपर बीम मतलब वाइड बीम, वो बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल है। क्योंकि अब मतलब नॉर्मली सब लोग सामने की तरफ लगाया जाता है, पुश बटन लगाता है तो आपका हाथ उसमें पहुंचेगा ही नहीं, आपका हाथ हैंडल ग्रिप से उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के उधर में लेना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग मतलब मैं जो चीज़ दिखाया हूँ, अगर इनकेस कभी पॉसिबल होगा उसका एक शॉर्ट मैं बना दूंगा कि कैसे मैं उसको कनेक्ट किया हूँ, मैं स्विच का जो पार्ट है वो स्विच का पार्ट खोल के मैं इसको दिखा दूंगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू, गॉड ब्लेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड